लंदन में बहुत सारे वैज्ञानिकों के बीच में एक भारतीय वैज्ञानिक इस चीज को सिद्ध करना चाहता था कि धातुओं में भी प्राण होते हैं। इसके लिए उसने आयरन की रोड ली, उसे तार से लपेटा और तार के लास्ट में एक निब लगाई, उसे ग्राफ पे लटका दिया। अब प्लान ये था कि उसके ऊपर वो एसिड गिराएंगे जिससे धातु थरथर कांपेगा और वो ग्राफ में दिखेगा। अब जो बोतल उन्हें पकड़ाई गई थी, जैसे ही उन्होंने वो बोतल उड़ेली, धातु पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सारे वैज्ञानिक हंसने लगे कि ये पॉसिबल थोड़ी है, धातु में प्राण कहां होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो बोतल उठाई और वो गटगट करके पी गए, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी ने धोखे से एसिड को बदल दिया गया है। बाद में पियोन ने माफी मांगी और उन्हें ओरिजिनल एसिड की बोतल दी गई, और बाद में उन्होंने वो एसिड धातु पे गिराया और वो सारा प्रभाव ग्राफ पे दिखा और ये सिद्ध हो गया कि धातु में भी प्राण होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जगदीश चंद्र बसु की, और ये बात है 1911 की। बात अजीब है लेकिन सच है। एक बार विवेकानंद बनारस में एक मंदिर से बाहर आ रहे थे, तो बाहर बैठे कुछ बंदरों ने विवेकानंद को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे विवेकानंद थोड़े घबरा गए और भागना शुरू कर दिया। तो जब वो भाग रहे थे तो बंदर उनके पीछे और पड़ गए, वो और भागने लगे, बंदर और पीछे भागने लगे। ये सब दृश्य एक मॉन्क बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। उन्होंने विवेकानंद को कहा, रुक जाओ और इन बंदरों का सामना करो। तो जैसे ही उस मॉन्क की बात सुनी, विवेकानंद वहीं रुक गए, पलटे और उन बंदरों का सामना करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसका सामना किया तो बंदर धूम दबा के भाग गए। यहां पर विवेकानंद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखा। उन्होंने ये सीखा कि जिंदगी में कभी विपत्तियां आए तो भागो मत, पलट के उनका सामना करो, तभी जिंदगी में आप परिपक्व हो पाओगे। एक गांव में गोलियत नाम का एक विशालकाय राक्षस था। गांव वाले इतना डरते थे कि दिन में भी उसके नाम की दहशत थी। एक बार उस गांव में 17 साल का डेविड नाम का लड़का आया। उसने गांव वालों से पूछा कि तुम इस राक्षस को मार क्यों नहीं देते। तो गांव वालों ने जवाब दिया कि उसका शरीर देखा है, इतना विशालकाय राक्षस है, इसे मारना हमारे बस की बात नहीं है। तो डेविड ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। डेविड ने कहा कि हकीकत ये नहीं है कि वो विशालकाय है इसलिए हम उसे मार नहीं सकते, जबकि हकीकत ये है कि जब हम उस पे निशाना लगाएंगे तो हमारा एक भी निशाना चूकेगा नहीं, क्योंकि उसका शरीर विशालकाय है। ये सब आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। अगर प्रॉब्लम को लेके आपका नजरिया ये है कि ये काम मुझसे नहीं होगा तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका नजरिया ये है कि ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता, तो आप जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखोगे नहीं। क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो? ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है अगर आप किसी भी कंपनी में सेल्स जॉब के लिए जाते हो तो, क्योंकि अगर आप बेच सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। सेल मी दिस पेन। मैं आज आप लोगों को इस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। ऐसे ही एक इंटरव्यू में एक बंदे से पूछा कि क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो, तो उसने पेन लिया और उस बंदे को थोड़ी देर बाद कहा कि सर ये फॉर्म भर दीजिए, ये लकी ड्रॉ का फॉर्म है और अगर आप इसे भरेंगे तो आप 1,00,000 रुपए की लॉटरी जीत सकते हैं। तो उसने कहा बिल्कुल भरूंगा लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। तो उसने कहा ये लीजिए सर पेन, 10 रुपए का है सर, भरिए, मे बी यू कैन विन 1,00,000 रुपी लॉटरी। उसने तुरंत खरीद लिया। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आपको उसके लिए जरूरत पैदा करनी पड़ेगी, और अगर आपने जरूरत पैदा कर दी तो वो चीज अपने आप बिक जाएगी। गॉट इट? एक बंदा पुलिस स्टेशन में अपने बेल पेपर पे साइन करने के बाद भागते हुए एक ब्रोकरेज फर्म में पहुंचा जहां पर आधे घंटे बाद उसका इंटरव्यू था। पुलिस उसे इसलिए पकड़ के लेकर गई थी क्योंकि वो पार्किंग टिकट्स के पैसे नहीं दे पाया था। अब क्योंकि आधे घंटे बाद ही उसका इंटरव्यू था तो वो कपड़े भी चेंज नहीं कर पाया, कपड़ों पे पेंट लगे हुए थे और बहुत ही गंदे थे। जब इंटरव्यूअर ने उसकी मार्कशीट देखी तो मार्क्स भी बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। जानते क्यों? ये क्रिस गार्नर की घटना है और ये सच्ची है, ध्यान से सुनेगा। उसके आंसर की वजह से उसका सिलेक्शन हुआ। उसने कहा कि सर मैं इस तरह का पर्सन हूं कि अगर मैं किसी चीज का आंसर नहीं जानता होऊंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि उसका आंसर ढूंढना कैसे है। गाइज, लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते, लेकिन अगर आप ये जानते हो कि उसका जवाब कैसे ढूंढना है तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। महज 21 साल का था तो डॉक्टर्स ने उसे कहा कि उसे मोटर न्यूरॉन जैसी खतरनाक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी की वजह से इंसान का उसकी मांसपेशियों से कंट्रोल खत्म होने लगता है, धीरे धीरे वो अपंग हो जाता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि वो 2 साल से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी अपनी जीने की इच्छा शक्ति की बदौलत उसने मृत्यु को हरा दिया। वो अपंग जरूर हुआ लेकिन 50 साल तक जिया।
इस बीमारी की वजह से उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा था और अपने स्पीच सिंथेसाइजर के थ्रू उसने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसमें से एक बुक थी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीफन हॉकिंग्स, जिनका कहना है कि लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने कैबिनेट में एक ऐसे व्यक्ति को रक्षा मंत्री बना लिया जो हमेशा उनकी निंदा किया करता था। अब लोगों ने सवाल पूछा कि ऐसे व्यक्ति को जो हमेशा आपकी आलोचना करता है, इतना बड़ा पद देने का क्या लाभ? तो अब्राहम लिंकन ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति सक्षम है, उसमें प्रशासनिक क्षमताएं हैं और वो इस क्षेत्र का विशेषज्ञ है। मैं मानता हूं कि उसने मेरी बहुत जगह पे आलोचनाएं की हैं, लेकिन देश के विकास के लिए मुझे उसकी जरूरत है और मैं ऐसे व्यक्ति को खो नहीं सकता। गाइज, जो अपने हित से ज्यादा देश के हित को तवज्जो देता हो, लीडर वही है।